सो हाय एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एक नए वीडियो पर स्वागत है। तो फाइनली आंगनवाड़ी के पेमेंट के संबंध में समान काम समान वेतन के मुद्दे पर आंगनवाड़ी से रिलेटेड जो है सुप्रीम कोर्ट की बड़ी नाराजगी यहां पर देखने को मिल रही है। इसके संबंध में पूरा का पूरा खबर प्रकाशित की गई, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी। पूरी जानकारी दिखाने से पहले हम आपसे यही उम्मीद करेंगे, वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा। आप लाइक करते हैं हमें अच्छा लगता है, हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो लेकर के आते हैं। तो इस खबर को ध्यान से देखने के साथ समझिएगा कि ये खबर किस राज्य की है और सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी क्यों जताई है। समान काम समान वेतन का मुद्दा क्या है, इससे अन्य राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए चलते हैं खबर की ओर। चैनल को अपना सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दीजिएगा, आपको ऐसी यूजफुल खबरें देखने को मिलती रहेंगी। तो पूरी खबर को ध्यान से देखिएगा, जितनी भी सेविका सहायिका हैं, चाहे आप बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आंगनबाड़ी वर्कर्स हो, जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका के जो भी पेमेंट है उसके संबंध में जो है दिल्ली हाई कोर्ट, जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट का जो एक मामला यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। देखिए, बड़ा शीर्षक है कि समान वेतन नहीं देने पर कोर्ट जो है वो नाराज हो गया है। नई दिल्ली की खबर है, चूंकि यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट का है, लेकिन इसमें अगर कोई अच्छा फैसला आता है, अच्छा निर्णय आता है हाई कोर्ट के द्वारा और सरकार उसको लागू करती है, तो अन्य राज्यों पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा और इससे अन्य वर्कर्स को क्या फायदा होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। उससे पहले हम उम्मीद करेंगे अगर वीडियो में दी गई जानकारी अगर यूजफुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, नई दिल्ली से खबर है, लिखा गया है कि आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन नहीं दिए जाने के मामले में उच्च न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की है। न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार और अन्य पक्षकारों को समुचित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है कि आखिर बताइए कि आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों को आखिर जो है काम तो वो सरकारी कर्मचारी जैसा ही करते हैं, काफ़ी काम है, लेकिन उनको मानदेय उनके बराबर क्यों नहीं मिलता है, ये जवाब अब सरकार को देना होगा। जस्टिस संजीव सचदेवा और तुषार राव गटेल राडेला की पीठ ने बताया, निर्देश दिया कि जब आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने बताया कि उनके मुवक्किलों को न्यूनतम मजदूरी तो दिया जा रहा है, लेकिन समान काम के बदले समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजधानी में तीन तरह के आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक हैं, पहले वे जो सरकार की ओर से नियमित कर्मचारी हैं, दूसरा जो सरकार द्वारा नियुक्त अनुबंध पर नियुक्त किए गए हैं, और तीसरा वे लोग जो सरकारी ठेकेदारों को जरिए नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने पीठ को बताया कि जो सरकार के नियमित कर्मचारी हैं, यानी आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक ही हैं, लेकिन नियमित तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है तो 66,000 रुपये से अधिक का वेतन उन्हें मिलता है, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट पर पर्यवेक्षक हैं उनको मात्र 38,000 रुपये मिलता है, जबकि दोनों का काम जो है बिल्कुल सेम है। अग्रवाल के मुताबिक सरकारी ठेकेदार के जरिए अनुबंध पर काम कर रहे उनके मुवक्किलों को महज 16,000 रुपये प्रति महीने वेतन दिया जा रहा है, जबकि तीनों का काम लगभग समान है। यह न सिर्फ समान काम के बदले समान वेतन के सिद्धांत का उल्लंघन है, बल्कि नियुक्ति से जुड़े नियमों की भी अनदेखी है। मामले में सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता से समुचित पक्ष रखने के लिए समय देने की मांग की गई है। इसके बाद पीठ ने सुनवाई 16 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। उच्च एजेंसी न्यायालय सरकारी ठेकेदार एजेंसी के जरिए अनुबंध पर कार्यरत करीब 151 आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक की ओर से पिछले साल दाखिला याचिका पर सुनवाई कर रहा है, यानी कि ये याचिका पिछले साल ही दाखिल की गई थी और सुनवाई अभी हो रही है। हालांकि कोर्ट का कहना और जो भी आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक है उनका अधिवक्ता का कहना बिल्कुल सही है कि जब तीन तरह के कर्मचारी हैं, तीनों का काम एक जैसा है, तो फिर मानदेय में 20-20 हज़ार 25 हज़ार का अंतर क्यों है। अब इस पर देखिए क्या हुआ, अगर ये फैसला आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों के हक में आता है तो इससे जो है कहीं ना कहीं दूसरे राज्य के पर्यवेक्षक भी प्रभावित होंगे और उन राज्य की सरकारों को भी ऐसे करके अपने राज्य के लिए नियम लागू करना होगा। हालांकि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर यानी सेविका सहायिका से संबंधित कोई अपडेट अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अगर इस पर ये बात फैसला आता है तो कहीं ना कहीं ये भी प्रभावित होंगे। तो ये थी जानकारी, उम्मीद है वीडियो जानकारी मिली होगी, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।